स्वीप कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय गोकुलपुरा सीकर के तत्वावधान में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालय पर चल रहे कब मास्टर बेसिक कोर्स के प्रशिक्षणार्थी के शिविर में एसडीएम जय कौशिक ने स्वीप ज्वाला प्रज्वलित कर स्वीप ज्वाला के माध्यम से घर घर मतदान जागरूकता का संदेश देने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। आगामी विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय विवेक से मतदान करने की अपील करते हुए सक्षम ऐप नो योर कैंडिडेट सी विजिल के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में अपना नाम जरूर जुड़वाना चाहिए। इस दौरान स्वीप कमेटी के सदस्य डॉक्टर संजय खीचड़ ने मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने, हटवाने आदि की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ऐप के संबंध में विस्तार से बताया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त नीतू शर्मा ने लोकतंत्र में भागीदारी के लिए संकल्प दिलाया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, मतदाता जागरूकता गीत, रंगोली के माध्यम से मतदान हेतु प्रेरित होने का संदेश दिया। सभी को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई गई। अब हमारे जो अगले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है वो आएंगे। इन 70 सालों के अंदर हमने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की है। मैं यदि आपको कहूं, आपकी कक्षा 12 की क्लास की जो पुस्तक है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पहले आम चुनाव थे वो आम चुनाव पेटियों में वोट पड़े थे और जो मतपेटियां थी वो प्रत्येक कैंडिडेट की अलग अलग मतपेटी रखी हुई थी। जैसे 3 कैंडिडेट थे ए बी और सी, तो ए कैंडिडेट की अलग मतपेटी थी, बी कैंडिडेट की अलग थी, सी की अलग थी। और जो हमारी पहली वोटर लिस्ट थी उस वोटर लिस्ट के अंदर जो महिलाओं के नाम थे वो ऐसे लिखे हुए थे, फलाने की पत्नी, ठीक है, फलाने की बेटी, फलाने की पुत्र वधू। और हम अगर 70 साल के बाद में आज जब हम देखते हैं तो हमारे जो वोट है वो तीसरी श्रेणी की जो हमारी ईवीएम है MI3 उसके अंदर हम वोट डालते हैं। और पिछले चुनावों से 2018 में हमने उनके अंदर वीवीपैट का इस्तेमाल भी देखा था। बच्चों, आप जिस भी किसी कैंडिडेट को वोट देते हो उसके चुनाव चिन्ह की फोटो आपके सामने आती है। तो 70 सालों में टेक्निकली हमने ये सफर तय किया। एक वोट का जो परसेंटेज था 60-65 रहता था, मुझे जहां तक याद है।